डे वन में यहाँ आप देख सकते हो तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पंडाल खूबसूरत लग रहा है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम के हो रहे हैं 3:30 और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे बच्चों को सरस्वती माँ का पूजा करना है, तो उस विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पंडाल बनेगा, कैसा किस तरह से सजाना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पूजा 5 को है, सो अब समय भी नहीं है, 2-3 दिन समय है, 2 दिन के अंदर पंडाल भी बनानी है। तो ब्लॉग पे बने रहिए और इन्जॉय करिए कि पंडाल जो है वो क्या डेकोरेट करना है, कैसे डेकोरेट करना है, यहीं पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे पूजा। तो गाइज आज से ही काम हम लोग शुरू कर दे रहे हैं डेकोरेशन का, और काफ़ी हम लोग खुश हैं कि पूजा होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो फाइनली पहले बैकग्राउंड में खिड़की में ढक दिए हैं यहाँ पे, फिर वाइट कलर का टेंट लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे डेकोरेशन होगा, पूजा होगा। तो अभी काम स्टार्ट हो गया है, सभी बच्चे जो हैं वो काम में रेडी हैं। अभी हम लोग पहले बैकग्राउंड बना रहे हैं, जो कि वाइट पर्दा लगा रहे हैं बैकग्राउंड में, और काम जारी है। अभी 2 दिन का समय है हमारे पास, और भी बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेशन किया जाएगा इस रस्सी में जो देख रहे हैं आप, लाइट लगाऊंगा। आज फर्स्ट डे था डेकोरेशन का और फाइनली हम लोग यहाँ तक कर लिए। आप देख सकते हो ये जो वाइट वाला कपड़ा का जो चूल बन रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, और प्रोसेस अभी चल ही रहा डेकोरेशन का, अभी बहुत सारा चीज़ करना। अरे क्या कर रही है मुन्नू, तो कुछ आइडिया दो मुन्नू, कैसे सजाएं, कुछ आइडिया दो। तो गाइज यहाँ पे आप देखो पुराना साड़ी लेके आए हैं, साड़ी से हम लोग डेकोरेट करेंगे। सब बच्चे हैं, हम लोग के पास उतने पैसे नहीं हैं, जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि डेकोरेशन एकदम और भी बेहतरीन कर सके जितना हो सके। तो वहाँ से आप देख रहे हो ना, पंखा से ऐसे ऐसे इस तरह से साड़ी को लगाएंगे। डेकोरेशन का पहला ही दिन है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग सजा चुके हैं, आप देख सकते हो पंखा में लगाएं, और यहाँ से साड़ी जो है ये पूरा धागा में लगाएंगे ऐसे ऐसे, और जिसमें से पंडाल जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तरह से लग रहा है अपना, तो गाइस कुछ इस तरह से लग रहा है पंडाल, और अभी तो बस शुरुआत हुआ, अभी तो बहुत कुछ डेकोरेशन करना है इसके अंदर। तो आप देख रहे हो खूबसूरत लगने लगा अभी से ही। स्टेपल यूज़ कर रहे हो, देखें हाथ तेरा अभी कैसे किया था। सारे बच्चे हम लोग व्यस्त हैं काम में। कुछ काम नहीं कर रहे हो तुम, काम करो, डेकोरेट करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। मुन्नू कैसा बन रहा है पंडाल, कैसा लग रहा है? अभी 2 दिन हम लोग के पास टाइम और है, हम लोग बहुत सजाएंगे। अरे नहीं उधर से नहीं लगाना है तो वैसे क्यों? और लाइटिंग हम लोग देख रहे हैं ट्राई करके कि अगर अंदर से लाइट ऐसे लगाते हैं तो कैसा लगता है। फिलहाल अभी फाइनली गाइस डे वन का डेकोरेशन आपको दिखाता हूँ। तो डे वन में यहाँ आप देख सकते हो तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पंडाल खूबसूरत लग रहा है, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई डॉली दीदी। यहाँ पे अभी और भी ज़्यादा डेकोरेशन करना है, ताकि ये जो पंडाल है वो खाली खाली ना दिखे, और अभी लाइटिंग का काम भी करना है। तो अभी मेरे पास 2 दिन का समय है, तो देख सकते हो आप काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो 2 दिन का समय है, तो फिर मैं लाइट पूरा एकदम रेडियम लगा हुआ है क्या चैन में, लाइट आ रहा है इसमें आते हैं। गाइज आज है डे 2, डेकोरेशन का डे 2, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी समय हो रहा है 4 बजे शाम, और अभी फिर से हम लोग आज डेकोरेशन का काम शुरू करेंगे आज का, और आज अंदर में सजाना है, जैसा कि पंडाल तो कल ही बन गया था। तो सभी अभी लगे हुए हैं, अभी जैसा कि देख रहे हो आप यहाँ पे खिड़की है, इसको ढकना है, क्योंकि यहाँ से जो हवा आ रहा है ना वो एक्चुअली पूरे डिस्टर्ब कर रहा है पंडाल को, तो इसको ढकना है। फाइनली यहाँ जो खिड़की है उसको मैंने ढक दिया। तो गाइज आज डे 2 है डेकोरेशन का, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, और आज देखते हैं
कार्य कहाँ तक हो पाता है, काम अंदर में सजाना है। अभी डिस्कशन हो रहा है कि एक्चुअली पंडाल के अंदर में क्या बनाना है, और लाइट मैंने लगा दिया है अभी फाइनली, यूं ही काम के लिए लगाया है, बाद में इसको बीच में लगाऊंगा, उससे हवा भी नहीं आएगा। फिर क्या डिसाइड हुआ, क्या बनाना है, क्या बनाना है? हम लोग सभी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि पंडाल के अंदर बनाना क्या है। थर्मोकोल से कटिंग स्टार्ट हो गया, थर्मोकोल का इसके ऊपर डिजाइन बन रहा है, उसके अनुसार से कटेगा। क्या बना रहे हैं अंकित? हंस बना रहे हो, देख सकते हो कुछ इस तरह का हंस बनाना है हम लोग को थर्मोकोल में। यहाँ पे ड्राइंग जो है ऑलमोस्ट हो गई है, कटिंग करना है। क्या फ्रेंड्स क्या कर रहे हो? के बज रहे हैं 6 और देख सकते हो ठंड ना लगे इसलिए मैंने इधर से भी ढक दिया है, हालांकि इसको हटा दिया जाएगा दिन में। और हम लोग सभी बैठ के अभी सजाने का काम कर रहे हैं। देव फाइनली नीसू भी आ गई है और सरस्वती पूजा का सेलिब्रेशन होगा, सरस्वती माँ का पूजा होगा। तो सारे बच्चे लोग आ गए गाइस, मुन्नू भी आ गई है मेरी, मुन्नू से हाय। और इधर यहाँ पे है पोते, और यहाँ जो है ड्राइंग बन चुका है। हम लोग सभी बच्चे भी मिल के डेकोरेट करेंगे। क्या लाना, बुरादा लाना है ना? यहाँ पे बन रहा है लोटस के ऊपर में ये लगेगा, तो उसके लिए हम लोग बना रहे कागज का लोटस के अंदर ना। देवी बना रहा है, क्या बना रहा तू? एरोप्लेन बना रहा है। मैं सनफ्लावर का जो कली होता है ना वो बनेगा डिजाइन, उस हिसाब से हम लोग कटिंग कर रहे हैं। सनफ्लावर बनेगा ना? हेलो आलस, सनफ्लावर नहीं लोटस है, लोटस इसका काम आएगा। आई थिंक सनफ्लावर ना, थर्माकोल से आप देख सकते हो जिस प्रकार से ड्राइंग किए थे उस हिसाब से हंस जो बनाए थे हम लोग, उसको किनारे किनारे ऐसे कटिंग कर दिया गया है, तो अब हंस जो है बिल्कुल हंस लग रहा है। और बहुत सारा काम करना है इसमें, बुरादा वगैरह लगाना, बहुत कुछ करना। और यहाँ पे मुन्नू, तो गाइस अभी जो देख रहे हो आप काम जो है बहुत ही ज़्यादा टफ काम, मतलब जितना भी आज दिख नहीं रहा कि काम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि कल जो है वो उसमें कल परेशानी नहीं होगा, क्योंकि वो सब कटिंग भी हो गया है और रात के 4 नहीं बजे अभी। और देख सकते हो सनफ्लावर बन रहा है इसका, तो सनफ्लावर सारा मैं उसका हम लोग फूल बनाने के लिए सारा चीज़ तैयार कर रहे हैं। तो अब ये day 3 में जब आप देखोगे तो फिलहाल फ्लावर और उसका काम कंप्लीट रहेगा, एंड day 4 में फाइनल करूँगा लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगाना। बहुत काम है गाइस, जब फाइनल होगा तो आप सब देखना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देख सकते हो रात के बज रहे 11:30 और 11:30 बजे भी यहाँ पे मेहनत चल रहा है, डेकोरेशन हो रही है, डेकोरेशन की तैयारी। तो सोचो भाई गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं सब मिलकर। गाइस फाइनली आप सबने देखा कि हम लोग जो है डेकोरेशन में लगे हुए हैं, और आज day 2 अभी भी 11:30 बजे तक लगे हुए हैं, और 1 घंटा लगेंगे। तो गाइस अभी भी बहुत सारा मतलब ब्लॉग को मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो फाइनली पंडाल किस तरह से बना है, कैसे किस तरह से ये एक्चुअली फाइनल लुक आएगा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करिए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। तो गाइस ब्लॉग एंड करने के बाद भी काम चल ही रहा, और अभी देख सकते हो आप 12:39 हो गया, सोच सकते हो आप 1 बजने वाला है, और हम लोग कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। और देख सकते हो डॉली दीदी का क्रिएटिविटी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और अभी ये भी इनकम्प्लीट है। हम जो बनाए दूसरे का काम नहीं है। क्या पेपर वाला?